इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुग्रीव जी बोलबे नहीं भय हो, चंद्र दर्शन के प्रसंग तक सुग्रीव बोलबे नहीं भय। समुद्र से मार्ग मांगने में भी सुग्रीव जी नहीं बोले। काहे? अब यह विभीषण बताइए, देखिए प्रसंग पढ़िएगा। हाँ, पूछा भगवान ने, सुन कपीस लंका पति बीरा के विधि धरी जलधिगम। सुग्रीव न बोले तब मेरे कहलंकेश सुनहु रघुनायक। हम कह दियो ये लोगन के इतना याद बाकी बर्दाश्त नहीं होते। हमसे जौन छूटे थे तो नहीं लोग बोले लागत, कहीं ब्याज जी, कभी राजन जी, कभी विष्णु जी, कभी डॉक्टर जी। हम तो खतरे में आ गए हैं एकदम। ठीक, हमारा सौभाग्य है लड़का जब बोले रहेंगे तो बाप के कम है बोले के चाहिए। यही तो व्यवहार है ना, यही तो आनंद है। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले। भक्तराज विभीषण बोले, प्रभु आपके कुल श्रेष्ठ हैं, महाराज सागर ने इनको प्रकटाया है, सागर को इनसे मार्ग मांगिए। 3 दिन भगवान
आसन बिछवा कर बैठे रहे, लेकिन विनय न मानत जलध जड़ गए तीन दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्री। हाँ, बिना भय के प्रेम नहीं दृढ़ होता। लक्ष्मण जी लाइए धनुष बाण, अग्नि बाण दीजिए। सोखों बारिध विसिख कृसान, भगवान ने नीति बताई। छह सठ के साथ विनय नहीं, कुटिल के साथ प्रेम नहीं, ममता में जो रमा है उसके साथ। उसको ज्ञान की कथा सुनाइएगा, घूम फिर के उतने बोलेगा, काशी चल बा गंगा नहाए ग्रहण लागल बा। अरे चौवन के तू खैर देखब, चौवा दूगो गाय दूगो भैंस तीन गो बैल। हम जो करते हैं ना, हमारी बुद्धि वैसी ही बनती जाती है। ये मान करके तीर्थ किया करिए कि आज रात को विदाई है अपनी। अच्छा, आदमी बहुत संभार रहा है और रतिया का मर जाएगा तो को संभारेगा? हो कि हुआ ही ना संभारे, आखिर जब मर गिल बात यही संभारी मोर के, कोई उपाय है नहीं। हमारी सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हम ही संभार रहे हैं हमारे बात के, कोई नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी व्यर्थ, अति लोभी को वैराग्य का दर्शन कराना उत्तम नहीं, नहीं उत्तम। क्रोधी के साथ समत्व भाव नहीं, समता नहीं, सहजता नहीं। और जो संसार की वस्तु के प्रति कामनाओं में अनुरक्त है, आसक्त है, उसको भगवान की कथा का कोई अर्थ नहीं। यदि ऐसा करे तो जैसे ऊसर में बीज बोए वैसा फल प्राप्त होता है। भगवान ने नीत सुनाई और धनुष पर अग्नि बाण अनुसंधान किया। संधा ने वो प्रभु विशिख कराला, उठी बुदधि बुर यंतर ज्वाला, मकर बुर गश सगन यकुला, जरत जंतु जल जब जाने। अपने अंदर विराज रहे, उपस्थित रहे, अवस्थित जंतुओं को जलते जानकर अग्नि की दाहकता से समुद्र महाराज ऊपर आ गए। स्वर्ण थाल में दिव्य रत्न लेकर भगवान की शरण में आए। किस रूप में? विप्रवेश विप्र रूप धरी। आहा, कैसे आयउ तजी माना। विप्र रूप में आए, क्यों? भगवान ब्राह्मण पर बाण नहीं छोड़ते। परशुराम भगवान से प्रभु ने क्या कहा? विप्र वंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई, बधे पाप अपकीरति हारे। बध करने पर महापाप, संतान का, गर्भ में अवस्थित शिशु का, गौ माता का, विप्र का और रक्त संबंधियों में से किसी का बध करने पर महापाप लगता है। इसका कोई मोचन नहीं, प्रायश्चित नहीं, महापाप। भरत भैया ने माँ कौशल्या जी को पाप और उपपाप सबकी चर्चा दी है। यदि मेरी सम्मति है राम जी के वन जाने में माँ, तो जितने पाप और उपपाप हैं सबका फल हमको भोगना पड़े। माँ ने कहा, नहीं लाला, ज्ञान होने पर मोह न जाए संभव है, परंतु पुत्र आप कभी राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते। मां का विश्वास, कभी नहीं। भगवान के प्रतिकूल तो होना ही नहीं चाहिए, विमुख होना ही नहीं चाहिए हो सर। समुद्र जी आ गए, भगवान की शरण लिए और बोले, प्रभु आप क्षमा करें, हमको क्षमा करें। नीत बड़ी अद्भुत समुद्र जी ने गाई। बोले, गगन समीर
अनल जल धरनी इनकर नाथ सहज जड़। आगे किन्हीं पंक्तियों के लिए इस प्रसंग में मैं रुका था, आप सुनिएगा, बहुत विवेक पूर्वक इसको विचारिएगा। समुद्र जी ने कहा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन पांचों तत्वों का जो व्यवहार है वो जड़ है, जड़ता भरा है। आकाश कभी भी गरगरा सकता, हरहरा सकता, धमका सकता। वायु कभी झोंके से आकर, क्या आया था अभी वायु का प्रकोप, हुदहुद हुदहुद बन के आ गया, बचाइए, वही तो वायु का प्रकोप आया और जल प्रपात लेकर के नगर में प्रवेश कर गया दक्षिण भारत। जल हमारे देश के स्वर्ग कश्मीर को क्या कर डाला, जल जड़ करने बराबर कर गया पूरा, कितने का नुकसान भया। जल कौन रोक सकता है, जड़ को कौन रोक सकता है, कोई नहीं। जड़ करनी अग्नि कहीं बस छिटक जाए, अब रोक लो, रोको, दमकल वाले भैया लोग लगे रहते हैं लेकिन धू धू करके जल जाता है। जड़ करनी आप रोक नहीं सकते हो, वो चेतन का व्यवहार की अपेक्षा ना कर सकते आप। धरनी धरती का व्यवहार जड़ जैसा। पांच तत्वों का व्यवहार जड़ जैसा है। प्रभु आपकी प्रेरणा से माया शक्ति ने इन सब का व्यवहार बांट रखा है सृष्टि के संचालन के लिए, और सरकार आपकी जिसको जैसी आज्ञा है वो वैसा ही व्यवहार करता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।